हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल से बनने वाला बहुत ही हेल्दी नाश्ता की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने दो गाजर ली हैं, इनको मैंने छील लिया है। दो हरी मिर्च ली हैं, 4 से 5 छोटे साइज के प्याज लिए हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और एक पत्ता गोभी लिया है मैंने। तो सभी चीज़ों को मैंने काट करके रख लिया है। आधा पत्ता गोभी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और आधे को मैंने बचा लिया है। तो पत्ता गोभी को मैंने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। प्याज को भी मैंने लंबे लंबे पतले पीसेस में कट करके ले लिया है। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और अदरक को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। सब्जियाँ तैयार हैं। तो एक बाउल में हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, प्याज सभी चीज़ें इसमें डाल देंगे। पत्ता गोभी भी इसमें डाल देंगे। गाजर को आप चाहें तो पतले पतले पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रेट करके लिया है गाजर को। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी कोई सब्जी डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, इसे हम क्रश करके डाल देंगे। इसके साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर। नमक लेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने हींग लिया है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन डाल रहे हैं, तो अभी मैंने 3 चम्मच बेसन ऐड किया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से अगर और हमें लगा तो हम बेसन और डाल लेंगे। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने 2 चम्मच बेसन इसमें और डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। टोटल 7 चम्मच बेसन का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बेसन की जगह पर अगर आप चाहो तो बेसन और आटा दोनों ले सकते हो, आधी आधी क्वांटिटी में। तो बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए, ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है और हेल्दी भी होता है। इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हम डालते हैं। तो चलिए, मिक्स तो मैंने कर लिया है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा रख दिया है गैस पर, तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाकर रखा है वो इस पर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। साइड से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और चम्मच से इस तरह से किनारों को सही कर देंगे इसके। सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, थोड़ा सा सिक जाएगा उसके बाद हम इसको पलट देंगे। दूसरी साइड भी इसको सिकने देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से सिक जाएगा, इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए चीला भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो बनकर के तैयार है सुपर टेस्टी हेल्दी वेजिटेबल चीला। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर के तैयार होता है। इस तरह से जब आप वेजिटेबल चीला बनाएंगे तो आपके घर में सभी को पसंद आएंगे, बच्चे हों या बड़े। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक में आप इन्हें बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और नई नई हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।